हम सब शपथ लेते हैं, हम सब शपथ लेते हैं कि मैं मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव, मेरे गांव, मेरे ब्लॉक, मेरे ब्लॉक, मेरे जिले, मेरे जिले और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा जो 2.5 करोड़ हैं, वो बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे और ना कभी आने देंगे मध्य प्रदेश में। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने की बेरोजगारों ने खाई कसम, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसा कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि वो 18 घंटे जागकर दिन रात 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सड़कों पर खुले आम 2.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने दावा किया है, कसम खाई है कि वो भाजपा को आजीवन वोट नहीं करेंगे। जी हाँ, किस वीडियो के सामने आने के बाद से भाजपाइयों की नींद उड़ गई है, आप वीडियो देखिए, इसके बाद आपको शिवराज सिंह चौहान का बयान सुनाते हैं। हम मध्य प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी, शिक्षक वर्ग 3 के ये शपथ लेते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे 51,000 पद वृद्धि नहीं करती है और 100% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है तो हम सब शपथ लेते हैं, हम सब शपथ लेते हैं कि मैं मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव, मेरे गांव, मेरे ब्लॉक, मेरे ब्लॉक, मेरे जिले, मेरे जिले और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा जो 2.5 करोड़ हैं, वो बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे और ना कभी आने देंगे मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं वीडियो में खुलेआम सड़कों पर खड़े होकर कसम खाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में ना बीजेपी को वोट करेंगे, ना ही बीजेपी को आने देंगे अगर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों समेत 2.5 करोड़ युवाओं को, जो कि बेरोजगार टहल रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं कि साफ साफ वीडियो में सुन सकते हैं कि कहा जा रहा है ना ही उनके परिवार का, ना ही ब्लॉक का, ना ही क्षेत्र का, ना ही प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य बीजेपी को ना आने देगा और ना ही आजीवन वोट करेगा। ये कसम मध्य प्रदेश की सड़कों पर 2023 के चुनाव से ठीक पहले खाई जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भारी वजियत के साथ वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार के दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप सड़कों पर देख सकते हैं कि कैसे खुले आम भाजपा को, भाजपा का ही बहिष्कार किया जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार आंदोलन अपने चरम पर है। कभी ये लोग शिवराज सिंह चौहान से मिलने की कोशिश करते हैं, कभी बैनर पोस्टर लेकर लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब आप हाल देख सकते हैं, आलम देख सकते हैं कि अब ये बेरोजगार युवा मजबूर हो चुके हैं ये कसम खाने को कि अगर बीजेपी ने इस बार रोजगार नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी का निकाला होगा। ये वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार शेयर किया जा रहा है। जितेन पटवारी हैं, उन्होंने भी, कांग्रेस नेता हैं, शेयर करते हैं और लिखते हैं कि झूठ का नहीं चलेगा व्यापार, बीजेपी का खुला बहिष्कार, अंधेर नगरी मामा राजा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे विपक्ष ने भी हमला बोला है कि बीजेपी का खुले तौर पर बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने दावे वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, रोजगार को लेकर लॉलीपॉप तो बहुत ज्यादा दिया था, लेकिन अब रोजगार के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों से ज्यादा लोग एक साथ शपथ खा ले रहे हैं, उसमें पुलिस भी वहीं पर खड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आलम ही यह हो चला है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, जो कि कसम खा रहे हैं, जिनका ये कहना है कि अगर इस बार रोजगार नहीं दिया तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। इस वीडियो को MP कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी मुक्त होगा मध्य प्रदेश,
बेरोजगारों ने सुनाया है ये आदेश। तो आदेश क्या है, कसम क्या है, वो तो आप देख ही सकते हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भारी बजट के साथ वायरल हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश में ही स्कूल में शपथ ली जा रही थी कि बीजेपी को वोट नहीं किया जाएगा। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है 28 जनवरी 2018 की ये खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश 26 जनवरी को स्टूडेंट्स ने ली बीजेपी को वोट न देने की शपथ, वीडियो वायरल हुआ। तो पहले स्टूडेंट्स भी ले चुके हैं, इस तरह की शपथ ली गई है जिसमें बीजेपी को वोट ना देने की कसम खाई गई थी, वीडियो वायरल हुआ था। और अब आप देख सकते हैं कि स्कूल में नहीं बल्कि सड़कों पर खुले आम पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है, जिसमें कसम ली जा रही है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अब आपने देख लिया कि युवाओं का क्या हाल है, कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के बहिष्कार का चलन चल पड़ा है, कैसे युवाओं ने आंदोलन छेड़ दिया है। अब आपको शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सुनाते हैं। शिवराज सिंह चौहान का बयान सुनिए, जो कि उन्होंने ठीक एक दिन पहले यानी कि 12 नवंबर को दिया है। 12 नवंबर को कैसे शिवराज सिंह चौहान मंच से खड़े होकर दावा करते हैं कि वो 18 घंटे 8 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पहले उनका बयान सुनिए, इसके बाद इसकी पोल खोलते हैं। अब मैं हूं, आप हूं, हम लोग मेहनत करते हैं। अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, सवेरे से लेकर देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पगला तो चुप बैठेगा क्या आराम से? क्या तुझे विश्राम करने का हक है? एक क्षण भी तू कैसे व्यर्थ गवा सकता है? और कर, और कर, और कर, मैं दौड़ता रहता हूं दिन और रात। तो शिवराज सिंह चौहान भरे मन से खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि वो 18 घंटे 8.5 करोड़ लोगों के लिए निसंकोच तौर पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें वो ये कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा कि वो 18 घंटे काम करते हैं। आराम तक का समय नहीं है साहब के पास, देख सकते हैं कि गला तक बैठा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, 8 करोड़ लोगों के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर 2.5 करोड़ लोग ये दावा कर रहे हैं, इस तरह की कसम खाते हुए अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी के दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप सड़कों पर खाई जा रही कसम को देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो 18 घंटे बिना थके दिन रात काम किया जा रहा है, गला भी बैठा हुआ है, उसके बावजूद भाषण दिया जा रहा है, ये काम आखिर किया किसके लिए जा रहा है? तो इसी तरह के दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी किए जाते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं। कहीं कहीं तो यहाँ तक दावे किए गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। खबर देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी बस 2 घंटे सोते हैं, 24 घंटे जागने का कर रहे प्रयोग, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा। तो 18 घंटे काम करते हैं, कहीं 24 घंटे काम करते हैं, कहीं 22 घंटे काम करते हैं, लेकिन हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं तो 2.5 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, जो कि कसम खा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। मोदी जी 22 घंटे काम कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के मुताबिक तो आप आलम जानते हैं कि क्या हो चुका है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार सस्ता होता जा रहा है, उसकी लगातार कीमत गिरती जा रही है। ये आलम हो चुका है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। यही वो विकास है, यही वो अच्छे दिन है जिनके दावे किए गए थे, और उनकी पोल कैसे खुलती हुई नजर आ रही है वो आप मध्य प्रदेश के इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। इन दावों पर, इन वादों पर और मध्य प्रदेश के इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।